हमारे हरदिल अजीज इंस्पेक्टर वजीरगंज सुरबली पांडे जी को मिमेंटो और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करें। सभा में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, लगभग हम 5.5 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। पहले कुछ दिनों तक तो लोगों ने इसका बड़ा गौर किया था, लॉकडाउन का भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर लोग बहुत तो हो गए हैं इस समय, फिर लापरवाह जिसे कहते हैं लापरवाही का रूप लोगों ने धारण कर लिया है कि ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग अपना रहे हैं, ना ही कोई सर सफाई का ध्यान कर रहे हैं, ना ही लोग आना जाना बंद कर रहे हैं। आप लोगों से सभी से अनुरोध है कि ये बीमारी बहुत स्वाभिमानी टाइप की है, आपके घर वैसे नहीं आएगी। जब तक आप स्वयं कहीं से लेके नहीं आएंगे, ये आपके यहाँ नहीं आएगी, निश्चित आप समझ लीजिए। और ये बीमारी यदि आती है, आपका कोई भी परिवार का सदस्य उसको बुला कर अपने घर लाया है, और बहुत ही डेंजरस बीमारी है ये। अभी तक कोई इसका वैक्सीन नहीं बना, दवा नहीं बना, दावा तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो इसलिए हमारा सभी लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें, बाहर यदि निकलना भी आवश्यक है तो निकलिए, जाइए, लेकिन सफाई का विशेष ध्यान रखिए। घर पर आइए, सैनिटाइज कीजिए हाथ को, नहीं ऐसी व्यवस्था है तो साबुन से, भले ही वो कपड़ा धुलने का साबुन को कायदे से धुलिए, पैर को धुलिए। ग्राम राज एक मिशन को लेकर के हाथ में हैं, हम वजीरगंज इंस्पेक्टर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आप यहाँ तशरीफ लाए और अपने समाज के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए आपने तकलीफ की और कुछ भी सारी चीज़ें समझा दी हैं, हमारी जो मजबूरियाँ होती हैं। मेरे दोस्तों सच्ची बात की है, मेरी बहन कि अगर कोई इज्जत में बीमारी में आता है, आपका शौहर होगा, आपका बेटा होगा, आपका भाई होगा, आप होंगी, आपकी बेटियाँ होंगी, एक आदमी अगर एक परिवार का एक फर्ज भी अगर बीमार पड़ जाता है तो पूरा परिवार बिल्कुल खींच जाता है, परेशानी हो गया है। कोई सुबह जा रहा है, कोई शाम को जा रहा है, कोई रात को जा रहा है, किसी की ड्यूटी लग रही है और जहनी टेंशन अलग है। लिहाजा ये जो हमारा सेहत हेल्थ डिपार्टमेंट है और जितने भी हमारे कर्मचारी हैं वो सब के सब काबिल मुबारकबाद हैं, काबिल एहतराम हैं। मैं इन सब का एहतराम करता हूँ, इन सब का स्वागत करता हूँ कि ये जितने भी कानून बने हैं, कोई बच्चा अगर 10 बजे के बाद बाहर टहलता नजर आएगा तो गाड़ी सीज कर दी जाएगी। ये सिर्फ प्रेशर डालने के लिए, इनको शौक नहीं कि आप गाड़ी चालान करें या आपके बच्चों को गिरफ्तार करें या आप पर कोई धाराएँ लगाएँ या आपके ऊपर कोई फीस लगाएँ। ये सिर्फ इसलिए है कि जो खतरनाक बीमारी वर्ल्ड लेवल की है और खासकर हमारे समाज के अंदर गरीबी के साथ साथ अगर एक परिवार बीमार पड़ जाता, हमने देखा है हमारे पड़ोस में एक हादसा हुआ था गरीब शाह के पास, तो पूरा मोहल्ला उसके अंदर पीड़ित हो गया था, सबके रास्ते बंद कर दिए थे, इधर से भी बल्लियाँ उधर से भी बल्लियाँ, और निकलना मुश्किल किधर जाएं, और सारे लोगों ने सोशल बायकॉट कर दिया था। यानी जो परिवार के लोग हैं, खानदान के लोग हैं, रिलेशन वाले हैं, उन्होंने आना जाना मिलना छोड़ दिया था। आप सोच रहे कितनी बड़ी अच्छी बीमारी है, हालांकि नजरा जुकाम खांसी बुखार वाली बीमारी है। 2,40,000 वायरस के अंदर तो हर आदमी हर वक्त जिंदा रहते ही रहता, वायरस ना मिले तो मर जाए, लेकिन कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो इंसान के लिए हानिकारक होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। लिहाजा ये जो कोरोना का मर्ज है संगीन है, खतरनाक है। लॉकडाउन में तो हम लोग अपने घरों में छुपे रहे, लेकिन अब थोड़ी सी हुकूमत ने आज़ादी दे दी। हमारे बीच में मॉड्यूल बात के भाषा इतना घर में इतने में इतना लोगों को सुधार होने ज़्यादा विश्वास रहता है। तो जब पुलिस अगर दोस्त बन रही है आपकी, तो आप भी बनिए।
आज़ाद वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी ने जाहिद अली पत्रकार को दिया सोल्जर ऑफ कोविड-19 का सम्मान। महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन से अनलॉक तक की इस मुश्किल घड़ी में कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे पत्रकारों, पुलिस अधिकारियों, सफाई कर्मियों एवं समाज सेवियों को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया। राजधानी में गोलागंज स्थित अंजुमन फलाह दारायन के कार्यालय सभागार में आज़ाद वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर 50 लोगों को सोल्जर ऑफ कोविड-19 का प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों, सिविल डिफेंस वार्डन, पत्रकारों, पार्षद, सफाई कर्मियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जमशेद रहमान ने कहा कि पत्रकार जो आम जनमानस एवं शासन प्रशासन तक अपनी जान हथेली पर लेकर ऐसे हालात में भी समाचार पहुंचा रहे हैं तथा लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक करने का काम भी बखूबी कर रहे हैं, हमारे ऐसे सभी पत्रकारों को दिल से मेरा सलाम। संस्था के कोषाध्यक्ष मोहम्मद फुजैल ने कहा कि लॉकडाउन से अनलॉक तक हमारे तमाम मीडियाकर्मी, पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स एवं समाज सेवी जनता की सेवा कर रहे हैं। उनके इस जज्बे और सराहनीय कार्यों के लिए संस्था ने उन्हें सम्मानित किया है ताकि उनका हौसला और बढ़े। इसी कड़ी में प्रेसमैन न्यूज सर्विस लखनऊ के विशेष संवाददाता जाहिद अली को उनकी मेहनत, लगन एवं निष्पक्ष पत्रकारिता तथा लॉकडाउन में जनता की सेवा जैसे सामाजिक कार्यों के लिए थाना वजीरगंज इंस्पेक्टर सूर्यबली पांडे द्वारा सोल्जर ऑफ कोविड-19 का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा इनके कार्यों की सराहना करते हुए इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष डॉक्टर सुधीर प्रताप भटनागर, सचिव मोहम्मद कमाल अख्तर, कोषाध्यक्ष मोहम्मद फुजैल, वरिष्ठ पत्रकार जमशेद रहमान, थाना वजीरगंज इंस्पेक्टर सूर्यबली पांडे एवं अन्य कई थाना अध्यक्ष एवं समाजसेवी मौजूद रहे। लखनऊ से प्रेसमैन न्यूज़ के लिए विमल प्रकाश की ये खास रिपोर्ट।